तो मामला क्या है कि आदमी के खून में अगर लेड का लेवल बढ़ जाए तो आदमी मर सकता है। और खून में लेड का लेवल बढ़ाने का सबसे तेज और आसान तरीका है सीधे दिल में 5 ग्राम की गोली। मौत तेजी से आए ये बात सबके नसीब में होती नहीं है, मगर जब एक बार अपराध के औजार उठा लिए तो अपराधी तेज मौत की उम्मीद जरूर कर सकते हैं, क्योंकि गोली खाने का असर शूटर से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो उसको गोली लगे न लगे, गोली लगने का डर उसे जिंदगी भर रहता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र जाना जाता है अपनी दुर्गत दशा, खुली इंटरनेशनल बॉर्डर और मारधाड़ की परंपरा के लिए। 90 के दशक में यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी पहुंच गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक आज भी है। यह है वाइस गाइड टू क्राइम इन इंडिया, कासे क्राइम, क्रिएटेड विद एमेजोन प्राइम ओरिजिनल मिर्जापुर। यूपी में दम है क्योंकि क्राइम यहां ग्रास रूट लेवल पे शुरू होता है। अंग्रेजों के टाइम पे यहां मिल फैक्ट्रियां थी, मगर अब यहां का से कालीन बनते हैं और बनते हैं श से शूटर। एक होते हैं एक्सीडेंटल शूटर्स जो सबसे प्राइमरी लेवल के होते हैं, जो शुरुआत में एक दो एक्सीडेंटल किलिंग्स उन्होंने की होती है, उनका डर खौफ थोड़ा सा खत्म होता है तो उसके बाद में वो कुछ कुछ और किलिंग्स करने लगते हैं। उसके बाद सेलेक्टिव शूटर्स होते हैं जिनका निशाना वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, जो कि स्पेशलाइज्ड किलिंग्स के लिए जाने जाते हैं। थर्ड लेवल के जो शूटर्स हैं, जो कि सबसे खतरनाक शूटर्स माने जाते हैं, वो ट्रेंड शूटर्स होते हैं। ये मान के रखा जाता है कि वो अगर जाएंगे तो वो रिजल्ट लेकर के ही लौटेंगे। कांड हर तरीके के और कांडी यहीं के लोकल। वो क्या है कि छोटे शहर में बड़े आदमी बनने के रास्ते बहुत कम होते हैं। अब वो लड़के जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो मोहल्ले में आवारागर्दी को अपना जीवन बना लेते हैं, यानी गली के छोटे मोटे द से दादा। गैंग लीडर जो भी हुए हैं, चाहे वो मुन्ना बजरंगी हों, चाहे वो ब्रजेश हों, चाहे मुख्तार हों, वो किसी जमाने में शूटर रहे हैं, किसी न किसी के वो शूटर थे। मुन्ना बजरंगी को आपने इस एपिसोड में पहले ही देखा होगा। ये एक जमाने में यूपी के सबसे नामी गैंगस्टर हुआ करते थे और पूर्वांचल के पॉलिटिकल हैवीवेट्स की छत्रछाया में काम करते थे। इनकी शुरुआत हुई थी जौनपुर की गलियों में लोगों को दागते हुए और अंत हुआ बागपत की जेल में खुद पर गोली दगवाते हुए। Our main kingpin mafia will start his career by either fighting with people or by himself doing a few murders. शुरुआत गोरखपुर से हुई, लेकिन बाद में बनारस और सराउंडिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, इसमें ज़्यादा फला फूटा है। मिर्जापुर को गैंग्स ने शेल्टर के रूप में यूज़ किया है, तो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे अपराध करने से थोड़ा सा बचते हैं। अब इनका अगला पड़ाव होता है खून खराबा, जिससे इनका भय से भौकाल बढ़ता है। भौकाल एक शब्द है जिसका मतलब डर, लेकिन वो एक ऐसा डर है जो कि खौफ वाला डर नहीं है। अगर कोई यूज कर रहा है उसके लिए कि भाई मिस्टर एक्स वाई जेड का बहुत भौकाल है, तो जरूरी नहीं कि वो गुंडाई हो या माफिया ही हो, वो प्रभाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भोकाल का एक बहुत सामान्य सा अगर आप असर समझने की कोशिश करें तो वो प्रभाव है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के एक स्कूल में एक छात्र ने क्लासरूम के अंदर एक दूसरे छात्र को गोली मार दी। अब एक बार गुंडे का जस्का लग गया तो शराफत का राग अब भैया बताइए कौन लापेगा। लड़ाइयां बड़ी होंगी, दरोगा पकड़ने आएगा, दो चार जेल में बीतेंगे और क्रिमिनल स्टेटस आपका दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता ही जाएगा। और जिस दिन किसी बवाल में कोई गलती से मर गया, थाने में आपके नाम की फाइल खुलेगी और आप बन जाएंगे श से शीटर, यानी हिस्ट्री शीटर। अब आपके चर्चे होंगे तो किसी बड़े बाहुबली की नजर आपको ढूंढी लेगी और हाथ में थमा दिया जाएगा क से कट्टा। कट्टा एक कंट्री मेड हैंडगन कहते हैं उसको, छोटी, जो कि लोहे की पाइप्स वगैरह को मोल्ड करके बनाया जाता है। कट्टा एक खतरनाक असला है, 12 कट्टा है, 15 कट्टा है, यही सब असला यूज करे जाते हैं। कट्टा वॉज द मोस्ट इजिएस्ट वेपन टू गेट एक्सेस ऑफ। 80s और 90s के बीच में जो भी आप किलिंग्स देखेंगे उसमें कट्टा इस्तेमाल हुआ है। अब ये बड़ी पुरानी बातें हैं। जब से नरसिम्हा राव ने पूरे देश में उदारीकरण का हल्ला मचाया,
तब से चीज़ें और भी आसान हो गईं। इकोनॉमी आगे बढ़ी, धंधे में और पैसे आने लग गए और यूपी के माफिया भी स्केल अप हो गए। सड़कों पर मारुति भैया भागने लगे और कट्टे मिठाई की तरह बटने लगे। आप अगर इस टाइम पर गुंडे रहे होंगे तो आपके बाहुबली ने आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग शहर भेजा होगा जरूर। तब आपका प्रमोशन देसी कट्टे से इम्पोर्टेड त से तमंचे पर हुआ होगा डेफिनेटली। पुलिस में मुखबरी होगी, फोन टैप होगा, दोस्त उठाए जाएंगे। इस सब के बीच आप बाहुबली के इशारे पर दुश्मनों को दागेंगे और देखते ही देखते आप शीटर से बन जाएंगे शूटर। मुन्ना बजरंगी एक तरीके से मुख्तार के शूटर के ही रूप में उन्होंने काम किया, न कि गैंग लीडर के रूप में। और वो सबसे बड़ा जो काम था वो कृष्णानंद की हत्या थी, क्योंकि कृष्णानंद राय जी खुद एक बाहुबली थे और उनका खुद एक बड़ा वर्चस्व था, एक बड़ा क्लाउड था, और उनको मारना उन्हीं के गृह जनपद में, गाजीपुर उनका इलाका है, तो वो केस एकदम दहलाने वाला। 7 लोग मारे गए थे पार्टी के एमएलए के साथ, बीजेपी के एमएलए के साथ 7-6 और लोग मार दिए गए। एक बहुत हीनियस किलिंग की गई, 4 तरफ से उनको घेर करके मारा गया, असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल किया गया। वहां पे कम से कम 300-400 राउंड के ऊपर फायरिंग हुई थी। अरे गाड़ी में कितनी खिड़कियां होती हैं, 4 खिड़कियां होती हैं, आगे पीछे वो होते हैं, हर शीशे से भी गोली चलाई जा रही थी, तो भी एक एक शीशे से तो 2-2, 3-3 नाल से फायर हो रहे होंगे। आप खुद इमेजिन करो कि वो कितनी बड़ी घटना रही होगी। और जहां आदमी का काम खत्म करने के लिए 1-2 गोलियां काफी होती, वहां शूटर 40-50 गोलियां इस्तेमाल करके नाम बनाने में लग गए। और उस समय तक पुलिस के पास में मुन्ना की फोटो भी नहीं थी, या ब्रिजेश सिंह जी की देख लीजिए, जिस समय उनका बड़ा नाम था, बड़ा खौफ था 90 के दशक में, जब लोग उनसे थर-थर कांपते थे, समय में एक लंबे अरसे तक पुलिस के पास उनकी भी फोटोग्राफ्स नहीं थी, तो आप पहचानेंगे ही कैसे, नाम इतना बड़ा है। पर जितना नाम बढ़ेगा उतना ध्यान पड़ेगा। यूपी में 1998 में कुछ ऐसा ही हुआ था। सरकार का ध्यान इस पर ऐसा पड़ा कि यूपी पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स अलग से बनाई गई, यूपीएसटीएफ। उसका सिर्फ एक काम था, गैंग्स को गिराना। 90s की बात मैं करूंगा। उस समय एक आया शिव प्रकाश शुक्ला के नाम से, और उसने फिर पूरे स्टेट में जिस तरह का क्राइम किया वो उससे बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन आई। शिव प्रकाश का खौफ इतना ज्यादा था कि मीडिया ने ये छापना शुरू कर दिया था कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, उसने उनकी सुपारी ली है। उसको चेक करने के लिए एक नई फोर्स क्रिएट की, इट वॉज नोन एज स्पेशल टास्क फोर्स, दैट इज एसटीएफ। और एसटीएफ ने, यूपीएसटीएफ ने अपने गठन के बाद शुरुआती एक दशक में बड़े बड़े इनकाउंटर किए, मुंबई से लेकर के कलकत्ता तक जाकर के शूट आउट किया था। अब भाई साहब, कितना भी नाम, पैसा या खौफ बना लो, शूटर का अंत होता है श से शमशान में ही। डेथ के सिवा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि या तो किसी कांड की क्रॉस फायरिंग में दुश्मन के निशाने से, या एसटीएफ के एनकाउंटर में। तब ऐसी रंगबाजी करोगे तो फिरौती में पाओगे सिर्फ मौत।